भाई जिनके मैं आज अपने यहाँ पहुंचते, ये हमारे बेटी के मंदिर की पट्टी और टीकमगढ़ तिकमगढ़ जैन समाज का पूर्ण सहयोग रहा, जो आज बैठ के मंदिर की यह स्थिति है। हम एक बार पुनः तिकमगढ़ जैन समाज टीकमगढ़ का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस पंच कल्याण महामहोत्सव में अपनी चर्चा और छुट्टी का दान कर इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। हम उन सभी का और टीकमगढ़ जैन समाज अपना मैं तो ये कहता हूँ कि टीकमगढ़ जिले की जैन समाज का बड़ा अपूर्व सहयोग रहा, जो कि इंद्रधारी बनकर भी आज जो विचार हमने किया था कि 1,008 इंद्रधारी बनेंगे और ये 7,000 अपने यहाँ आने वाले हैं। मेरा अनुरोध है, एक दिन बात सुन लें, सप्त गजरथ में 1 गजरथ होगा, ये आप सौभाग्य की बात है। पूरे मध्य प्रदेश में ही शायद कहीं सोने का रथ खड़ा होगा, एक सोने का रथ, एक चांदी का रथ, एक सीता का रथ, इसके बाद 4 रथ पहुंचने आने वाले हैं। 7 गजरथ, इसमें 1 गजरथ तो 6 हमारे 3 हो सकता है कि हाथ से ठीक हो रहे हैं। अभी तक व्यक्तिगत प्रलोभन होते थे, लेकिन आज बैंक मंदिर कमेटी और मूर्ति प्रदाताओं ने अपना सौभाग्य सजाया और आप सभी को इस मंदिर प्रांगण में आमंत्रित किया है। अगर इंद्रधारी के रूप में भी हम महापुरुषों में जब अपनी भूमिका निभाते हैं तो हमारे बहुत कई जन्मों की पुण्य का उदय काल होता है कि जब हम ऐसे महापुरुषों में जहाँ पाषाण से भगवान बनाने की एक रासायनिक प्रक्रिया एक अनुष्ठान हो रहा है, उसमें हम भाग बन करके इस महामहोत्सव को हम आगे बढ़ाते हैं और इस महामहोत्सव में अपनी भूमिका तय करते हैं। आपके बीच हमारे सबसे हम आयोजन बनाते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, वो भोग रूप में जन्म लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। भोग रूप में 3 आदिनाथ भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य दिया है, तो आप सोना गाड़ी बजाकर उनके बच्ची Oh,
हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा तो आइए बिरला मंदिर के अंदर हमारे
श्री बाबू लाल जी कार्य का सम्मान हो जाए दान भी बाबू लाल जी कार्य का जोर डाल करें मैं आपको सब उम्र करें श्री नितिन जी कारी का हमारे साथी रिंकू मधुबनी के साथ ही विजय जी का मिलना होता करना कर रहे हैं आपको तालियां बजा कर मुझे जरूर चाहिए Thank you.
है।